हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। ठीक, उससे पहले जरा एक बार देखें, सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए उन्हें भी एक बार बता दीजिए, जल्दी से जुड़ जाए फिर हम लोग स्टार्ट करें। देखिएगा जरा। ठीक, गुड मॉर्निंग तान्या सिंह, गुड मॉर्निंग मुस्कान पटेल। देखिए जरा एक बात ये बता दीजिएगा, हमने कहा था कि देखिए हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, है ना? ठीक, शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिए थे, और आपको बताया गया था कि देखिए जो आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 2 तक न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरी, हमने कहा था कि देखिए चैप्टर वाइज आप उसका पीडीएफ बना करके और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करने के लिए आपको बताया गया था, लेकिन शायद एक दो लोगों ने केवल सेंड किया है, उसके बाद किसी लोग मतलब किसी ने सेंड नहीं किया था। तो ऐसे क्या पता चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो घर पे या नहीं पढ़ रहे हो, इससे कुछ पता नहीं चलने वाला है। और ये आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो वो सिर्फ आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, यहाँ किसी और किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। तान्या सिंह ने कहा ये सर आज सेंड कर देंगे। ठीक, आज सेंड कर दीजिएगा। देखिए जब तक ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं घर पे, हमें भी तो पता चलता रहे कि हाँ आपने जो लिखा है, जो डेरिवेशन किया है, वो सही है या गलत है ना। तो सभी लोग देखे, जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया था वो आज भी सभी लोग सेंड कर दे। अब देखे उसके बाद हमने आपको बताया था कि देखे पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, और उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत विभव, जबकि दूसरा चैप्टर हम लोगों का था क्या, गॉस के प्रमेय। तो हमने कहा था गॉस के प्रमेय चैप्टर हम लोग नहीं वहाँ पर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि देखिए वहाँ पर कुछ हम लोगों को फार्मूला जो है समाकलन के फार्मूला और अवकलन के फार्मूला जो हम लोगों को पीछे के पढ़ने थे, तो इसलिए हमने कहा था कि एक बार हम लोग क्लास लेंगे तो वहाँ पर अवकलन और समाकलन के पहले सभी को फार्मूला बता दिए जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो है गॉस की थ्योरम जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में हम लोगों को समाकलन का और अवकलन का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए वहाँ पर वो चैप्टर छोड़ दिया गया था और अलग भी था, है ना, और अलग भी था। और जो हमारा जो चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव जो चैप्टर है, दोनों सेम एक जैसे थे, एक जैसे डेरिवेशन हमें मिले थे, हम लोग कर भी चुके थे, और आज हम लोग देखे उसी को उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर हम लोग गॉस के प्रमेय फिर ना शुरुआत करके, एक अलग चैप्टर है तो इसलिए हम लोग उसको बाद में स्टार्ट कर लेंगे, और उससे पहले जो लगातार जिस क्रम में हम लोग चले चल रहे हैं, ताकि जो है उसका हमारा सीक्वेंस भी बना रहे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज़ अगर दोहरा मतलब जो हम लोग दोहराते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका वैद्युत धारिता। ठीक, वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक एफिशिएंट, तो ये हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इससे पहले जरा देखिए अभी तक और भी जो बच्चे नहीं जुड़ पाए जरा उन्हें बता दीजिएगा, सभी बच्चे ताकि जुड़ जाएं और हम स्टार्ट करें फिर यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर क्या, वैद्युत धारिता। ठीक, तो आज हम लोगों का चैप्टर होगा क्या, वैद्युत धारिता। देखिए वैद्युत धारिता हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले जरा कुछ चीजें जो हमें और भी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेंगी, सबसे पहले उन चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा जरा, देखिए आपको बताया गया है, इससे पहले क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं चालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। देखिए तो अगर
देख लीजिए जरा। इंग्लिश इसके देखिए, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश हो जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक कैपिशियन, ठीक, यानी वैद्युत धारिता। अब अच्छा देखेंगे इसके बाद, ठीक, देखिएगा, देखिए चालक पदार्थों के जो बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, देखिए चालक को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। देखिए बताया जा रहा था कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी क्या चालक हम लोग कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। या हम लोग देखिए दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे कि वे पदार्थ यदि उनमें कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित आवेश वाहक यदि गतिमान अवस्था में आ जाते हैं तो वो पदार्थ हमारा चालक पदार्थ कहलाता है। देखिए जरा बात समझेंगे, अगर के हमने कहा कि चालक पदार्थ वे होते हैं, कहेंगे वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। या फिर उसके बाद हमने कहा था कि वे पदार्थ, दूसरी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं क्या, क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिनमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। ठीक, आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए आवेश वाहक होते कौन हैं, आवेश वाहक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं, ठीक। अब जरा देखिए, अगर हम लोग चालक पदार्थों की बात करें तो चालक पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कहने के देखिए चांदी होती है, चांदी होती है सबसे अच्छी चालक पदार्थ होती है, सबसे अच्छा चालकता का गुण किसमें पाया जाता है, चांदी में ही पाया जाता है, ठीक। देखिए चांदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो चांदी जो पदार्थ होती है, सबसे पहले क्या होता था, जब चांदी के तारों का प्रयोग किया गया तो फिर क्या हुआ, चांदी के तारों का जब प्रयोग किया गया, चूंकि महंगी महंगी धातु थी तो इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, चांदी के तारों को काटना शुरू कर दिया, अपने घर में रखना शुरू कर दिया। कह रहे थे कि देखिए कमाई धमाई बंद करो, रात दिन मेहनत ना करो, रात दिन मेहनत ना करो, सिर्फ रात में थोड़ी देर मेहनत कर लो, तार काट लीजिए, घर में रख लीजिए, बेच दीजिए, मालामाल हो जाइए, है ना। ऐसे ही लोगों की नीयत बन गई, ठीक, लोगों की ऐसे ही नीयत बन गई कि जो है भैया हम लोग चांदी के तार को काट करके घर में रखने लगे, तो महंगी धातु होने के कारण इसलिए क्या कर लिया गया, चांदी के तारों का प्रयोग करना बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो है नंबर आ जाता भैया तांबा का, तांबा भी बढ़िया होता है, ठीक, लोहा भी, और ये भी महंगी धातुएं होती हैं, ठीक, लोग इसको भी काटने पिटने लगे, छाटने लगे, चोरी होने लगा इसका, ये भी चोरी होने लगा, तो फिर सबसे कम जो होती है वो हमारी आती है क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये भी चालक पदार्थ है, और आजकल जो बाहर तार प्रयोग किए जाते हैं
वो एल्युमिनियम के ही हैं। एल्युमिनियम के जो तार होते हैं इतनी महंगी धातु नहीं होती है, इसीलिए लगे रहते हैं, नहीं तो आधे लोग जो है इसको भी काट करके ले जाएं। तो ये तो बहुत हो गई थी हम लोगों की, किसकी भैया, चालक पदार्थों की हो गई थी। किसकी हुई है हमारी, ये लोग, ये बात हुई है हमारी चालक पदार्थों की। इसके बाद अब हम लोगों को जो है पढ़ना है क्या, अचालक। अब हम लोगों को क्या पढ़ना भैया, अचालक पढ़ना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अचालक, तो अचालक की परिभाषा आपको पहले से ही पता चले होंगे। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, या कह रहे हैं कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गतिमान नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। बताओ ये बात तो भैया सभी के समझ में आ रही होगी, बताओ लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी भैया बताइए जरा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। इनको हम लोग कहते हैं क्या, इंसुलेटर, ठीक, लिख लेंगे। शिवम कुमार, आकृति पटेल, जूली पटेल, मुस्कान, तान्या सिंह, ठीक, अंजू पटेल, सभी लोग लिख लेंगे, अच्छी बात है भैया, ठीक, सभी लोग लिख लेंगे, अच्छी बात है। तो ये इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लोग विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, ठीक, विद्युत रोधी, या कह लें कि परावैद्युत पदार्थ, ठीक, उन्हीं का नाम होता है, परिभाषा वही देंगे, अगर के बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गतिमान नहीं होते, या कह लें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, कुछ भी अपने हिसाब से कह लीजिए। और अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात करें आकर के, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह लेंगे, जैसे हो गया भैया सूखी लकड़ी हो गई, कागज हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, ठीक, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, आदि जो है हमारे क्या कहलाते हैं भैया, आदि क्या कहलाते हैं हमारे, ये अचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। यहाँ तक की बात फिलहाल सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखे, इसके बाद जब चालक हम लोगों ने पढ़ लिया, अचालक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आगे जरा देख लेते भैया अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या, आधे चालक हो, ठीक, अर्धचालक का मतलब क्या हो गया, आधे चालक, ठीक। इनको हम लोग भैया चालक को कहते थे कंडक्टर्स, इनको कहते थे इंसुलेटर, और इनको कहते हैं, देखिए कंडक्टर तो है पर आधे हैं, आधे कंडक्टर हैं, तो इसको हम लोग हाफ कंडक्टर नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे इनको, सेमी कंडक्टर, ठीक। अर्ध चालक को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर, ठीक, हम लोग इनको क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहेंगे भैया, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हम आ जाएंगे सेमी कंडक्टर। देखिए इनमें क्या होता है, ये पदार्थ आधे चालक होते हैं, और आधे कैसे होते हैं, अचालक, आधे आधे होते हैं, परंतु आधा नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर जो चालकता का गुण होता है, चालकता जो होता है, यानी चालकता का गुण अचालकता से ज्यादा होता है, मतलब चालक के अपेक्षा, मतलब अचालक कम होता है, परंतु ना चालक नहीं है बढ़िया, परंतु जो है बढ़िया नहीं है, लेकिन है चालक ही, अचालक नहीं है, अचालक से कुछ ज्यादा मतलब होता है तो चालक हो जाता है, ठीक। तो परिभाषा अगर हम लोगों को देना, कहेंगे वे पदार्थ जिनके अंदर चालकता और अचालकता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध चालक पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग यहां से लिखेंगे आकर के, क्या कहेंगे, कहेंगे वे पदार्थ जिनमें चालकता और अचालकता दोनों के गुण, ठीक, दोनों गुण विद्यमान होते हैं, अचालक पदार्थ सॉरी अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लिया जाए, एग्जाम्पल इनके लिए हम लोग क्या कहेंगे, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन आदि, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन आदि, नोट बना करके ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इनमें जो होता है चालकता का गुण अचालकता से कुछ ज्यादा होता है, चालकता का गुण अचालकता से कुछ ज्यादा होता है। बताओ इतनी बात भैया सभी लोगों के समझ में आई होगी, जल्दी से एक बार कंफर्म करा दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं भैया।
सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों ने कहा भाई आकृति पटेल, रिया पटेल, मुस्कान पटेल, जूली पटेल, शिवम कुमार, सभी लोगों को आ रहा था। अच्छी बात है भैया। ठीक, अब हम लोग का जो चैप्टर था वैद्युत धारिता, जरा हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ना स्क्रीन साइज इसको लेना था ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। कान्हा सिंह भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। देखिएगा कान्हा देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, अब हम लोग भाई क्या कहेंगे कि देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती क्या है भाई, वैद्युत धारिता होती क्या है। तो वैद्युत धारिता को हम लोग जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारिता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपान वी। सी बराबर फार्मूला होता है क्या, क्यू अपान वी, जहां क्यू क्या होता है, किसी चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश। और वी क्या होता है, जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश देने पर उसके क्या हो जाते हैं, विभव में वृद्धि हो जाती है ना। आवेशित करेंगे तो उसका विभवांतर बढ़ जाता है, विभव में वृद्धि हो जाती है। तो कहेंगे ये वी क्या हो जाता है, विभव में होने वाली वृद्धि। ठीक, तो अब अगर हम लोगों को परिभाषा देना है इसकी तो परिभाषा दे सकते हैं। पहले उससे पहले मात्रक जरा देख लें क्या होगा आकर के। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक हो गया कूलाम और इसका मात्रक हो गया वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, या कह लें क्या फैरेड, क्या कह लें भैया, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। अगर विमा की बात करें तो विमा इसकी आ जाती है। देखिए देखिए, पहले अगर हम लोगों को विमा निकालना है इसकी, विमा अगर नहीं पता है, क्योंकि विमा हो जाएगी एटी और विभव की विमा हो जाएगी कितनी, देखिए एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक, अगर ये भी नहीं पता है तो वी की उमा भी अगर नहीं पता थी तो वी बराबर होता था डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू की उमा तो पता होनी चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू, और अपान में कितना आ जाता था एटी, ऊपर कर लीजिए देखिए कितना आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये होती थी भैया। वही देखिए हम लोगों ने लिखा है, इसको अगर ऊपर कर लेंगे तो देखना कितना आ जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर और ए टू। ठीक, ये हम लोगों की इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग परिभाषा देंगे इसकी, देखिए क्या कहेंगे भैया, वैद्युत धारिता की परिभाषा कहेंगे, किसी चालक को, किसी चालक को, चालक समझते हैं कौन है चालक भैया, वही जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वही चालक कहलाते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कह लेते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर फार्मूला लिख लेना, क्यू अपान वी। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। तथा अगर विमा की बात की जाए
तो कहेंगे इसकी विमा होती है कितनी, ML2, मैं सॉरी M-1 L-2, ठीक, M-1 L-2 T4 A2 इसकी विमा होती है, ठीक। तो इतनी बात तो भैया सभी लोगों को फिलहाल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए अगर आगे की बात करें, भैया ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। अगर हम लोग आगे की बात करें तो इसी में हम लोग देखिए फैराडे धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, परंतु वैद्युत धारिता के व्यवहारिक मात्रक माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड भी होते हैं, ठीक। माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड भी होते हैं। याद रखेंगे कि अगर हम लोग कहें भाई एक माइक्रो फेरेड को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए माइक्रो फेरेड को हम लोग क्या कह लेते हैं, 10 की पावर -6 फेरेड, 10 की पावर -6 फेरेड होते हैं। एक माइक्रो फेरेड में 10 की पावर -6, और एक पिको फेरेड में होते हैं 10 की पावर -12 फेरेड, ठीक। 10 के पावर -12 फेरेड होते हैं। बाकी आपको फिलहाल फिर कुछ पता ही है, ठीक। तो ये हो गई थी हमारे क्या वैद्युत धारिता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल पढ़ेंगे आगे की बातें। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बताइए जरा सभी लोग एक बार बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बताइए क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है, जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मुस्कान पटेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया है जरा एक बार ये बताइए भाई, सभी लोग ये कमेंट करिएगा समझ में आ गया नहीं आ गया, बता दो एक बार जल्दी जल्दी से। बट सर क्लास ज्यादा देर तक पढ़ाइएगा, अरे अब टाइम भी हो रहा, केवल 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, देर तक तो चला है फिलहाल। जूली पटेल भी आ गया, अंजू पटेल भी आ गया, शिवम को भी से करे यस सर आ गया है, ठीक। तो मुस्कान पटेल ने कहा है क्लास देर तक चलाया करें सर जी, आधा घंटे के क्लास बहुत हो जाती है मुस्कान पटेल, है ना, क्यों आदि सर जी, आधा घंटे के क्लास बहुत हो जाती है। हाँ रिवीजन कर लिया करें आप लोग। चलिए फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक तो रखेंगे, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पीछे जो हमने पढ़ाया वो भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही।